नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी सब्सक्राइबर्स का 100 सब्सक्राइबर्स तक हमें पहुंचाने के लिए। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज की नई टेक्नोलॉजिकल एज में काफ़ी लोगों के पास बहुत पुराने म्यूज़िक सिस्टम्स और हाईफाई सिस्टम्स हैं जिनकी क्वालिटी बहुत ही ऑसम और बहुत ही अच्छी है, लेकिन क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी में चेंज हो रही है, वो नए सिस्टम्स और नए डिवाइस के साथ कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। इसीलिए हम आज एक यूनिक डिवाइस लाए हैं जिससे आप अपने पुराने म्यूज़िक सिस्टम और हाईफाई सिस्टम में नई जान डाल सकते हैं और उन्हें बना सकते हैं नए टेक्नोलॉजिकल युग के लिए बिल्कुल अप टू डेट। तो दोस्तों, ये है वो TP-Link का NFC इनेबल्ड ब्लूटूथ वायरलेस रिसीवर। इसकी रेंज बहुत ही इंप्रेसिव 66 फीट तक है। इस डिवाइस के थ्रू आप अपने किसी भी मोबाइल फ़ोन और या किसी भी टैबलेट या किसी भी लैपटॉप जो ब्लूटूथ को सपोर्ट करता है से कनेक्ट करके अपने म्यूज़िक को अपने किसी भी पुराने होम थिएटर या हाईफाई सिस्टम में प्ले कर सकते हैं, है ना इम्प्रेसिव। तो आइए आपको लेके चलते हैं इस ब्लूटूथ रिसीवर की जर्नी पे। तो इस TP-Link NFC इनेबल्ड ब्लूटूथ म्यूजिक रिसीवर की अनबॉक्सिंग करते हैं। एक बात बता दूं, ये मैंने नया प्रोडक्ट नहीं लिया है, ये अमेजन का रिन्यूड प्रोडक्ट है जो मैंने फर्स्ट टाइम खरीदा है। आइए देखते हैं कैसा है ये। पैकिंग ज़्यादा अच्छी नहीं है बिकॉज रिन्यूड है। और 6 आइटम्स मिलते हैं, USB पावर अडाप्टर, USB माइक्रो चार्जिंग केबल, एक NFC कार्ड, 2.5mm टू AV जैक केबल और 2.5mm टू 2.5mm ऑडियो केबल, और साथ ही एक बहुत ही क्यूट सा छोटा सा TP-Link का ब्लूटूथ रिसीवर। इसमें आपको एक माइक्रो USB चार्जिंग पोर्ट मिलता है और एक ऑक्सिन पोर्ट मिलता है। ये TP-Link ब्लूटूथ NFC रिसीवर NFC और ब्लूटूथ दोनों को सपोर्ट करता है। ब्लूटूथ में इसकी रेंज 66 मीटर्स तक है। इस ब्लूटूथ रिसीवर को टेस्ट करने के लिए मैं इसे अपने सोनी HCD-FLX5D 5.1 होम थिएटर के साथ कनेक्ट करूंगा। इस होम थिएटर को मैंने ईयर 2003 में परचेस किया था और इस सिस्टम में 5 DVD चेंजर, 2 टेप रिकॉर्डर सिस्टम, FM रेडियो और TV कंपोनेंट कनेक्टिविटी है। साथ ही इसमें ऑक्स इन पोर्ट है जिसके थ्रू आज मैं इस ब्लूटूथ रिसीवर को कनेक्ट करूंगा और अपने मोबाइल फ़ोन से म्यूज़िक प्ले करके उसकी साउंड को ब्लूटूथ के ज़रिए अपने सोनी होम थिएटर में प्ले करूंगा और इसकी टेस्टिंग को कंप्लीट करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इसकी टेस्टिंग। इस ब्लूटूथ रिसीवर को हमने माइक्रो USB पावर केबल के साथ अटैच कर दिया है। वो ऑन करने पर यहाँ पर एक वाइट लाइट चलती है। साथ ही मैंने यहाँ पर इसको ऑक्सिन केबल के साथ अपने सोनी होम थिएटर के साथ कनेक्ट कर दिया है। ये इसका NFC कार्ड रिसीवर है। आइए आपको हम म्यूज़िक प्ले करके दिखाते हैं। आइए इस सैमसंग फ़ोन को हम ब्लूटूथ के थ्रू इस TP-Link ब्लूटूथ रिसीवर के साथ कनेक्ट करते हैं। ब्लूटूथ ऑन करते हैं मोबाइल में, ये स्कैन करेगा, इस TP-Link म्यूज़िक का आइकन यहाँ पर आएगा, इसको टैप करते हैं, ये पेयरिंग कर रहा है, ओके कर दीजिए, ये कनेक्टेड फॉर ऑडियो हो गया है। आइए अब म्यूजिक प्ले करते हैं। इस टेस्टिंग के लिए हम 5 तरह के डिफरेंट सॉन्ग्स प्ले करेंगे। 2 क्लासिकल सॉन्ग्स हैं वोकल्स की फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिशन चेक करने के लिए, 2 रीसेंट लेटेस्ट सॉन्ग्स हैं थम्स और बीट्स की फ्रीक्वेंसी टेस्ट करने के लिए, और एक पंजाबी सॉन्ग है जिसमें हम हाई बेस और हैवी बेस को चेक करेंगे। आइए टेस्टिंग शुरू करते हैं। टेस्टिंग के लिए हमने 5 सॉन्ग्स को सिलेक्ट किया है, 2 क्लासिकल, 2 लेटेस्ट और 1 पंजाबी। इसमें से हम 2 सॉन्ग्स को ब्लूटूथ से प्ले करेंगे और 3 सॉन्ग्स को NFC से प्ले करके टेस्टिंग करेंगे। आइए पहला गाना शुरू करते हैं। एक क्लासिकल सॉन्ग है, ये वोकल्स की फ्रीक्वेंसी को ट्रांसमिट करके टेस्टिंग को बताएगा।
जैसा कि हमने देखा, वोकल्स की फ्रीक्वेंसी काफ़ी क्लियर ट्रांसमिट हुई है और कोई भी बीट या फ्रीक्वेंसी हमें मिसिंग नहीं दिखाई दी है। ये इस एक डिवाइस की काफ़ी अच्छी एडवांटेज है। आइए अभी क्लेटर्स गाना ब्लूटूथ के थ्रू प्ले करके टेस्ट करते हैं। इस लेटेस्ट और मोस्ट रिसेंट सॉन्ग की हैवी बेस और हैवी फ्रीक्वेंसीज को भी इस डिवाइस ने बहुत अच्छे से ट्रांसमिट किया है। मुझे किसी भी तरह का कोई लॉस इसमें नहीं दिखाई दिया है, जो इसका एक अच्छा प्लस पॉइंट है। अब एक ओल्ड क्लासिक सॉन्ग को प्ले करते हैं और वोकल्स और इंस्ट्रूमेंट्स की NFC के थ्रू ट्रांसमिशन क्वालिटी को चेक करते हैं। चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए। चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए। जैसा हमने देखा, इस ओल्ड क्लासिक सॉन्ग के वोकल्स और इंस्ट्रूमेंट्स काफी क्लियर थे और कोई डिस्टॉर्शन या लॉस नहीं था। अब एक नया लेटेस्ट सॉन्ग और एक नया पंजाबी सॉन्ग प्ले करते हैं जो लेटेस्ट हाईटेक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स और मिक्सर्स के द्वारा कंपोज किए गए हैं। लेट्स ट्राई। अब एक पंजाबी सॉन्ग प्ले करके चेक करते हैं। सॉन्ग्स का स्ट्रॉन्ग बेस, हैवी फ्रीक्वेंसीज और इंटेंस इंस्ट्रूमेंट्स भी क्लियरली ट्रांसमिट हुए हैं विदाउट एनी फ्रीक्वेंसी लॉस और एनी टाइप ऑफ डिस्टॉर्शन। तो दोस्तों, हमने 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉन्ग्स को प्ले करके देखा। इस टीपी लिंक ब्लूटूथ रिसीवर की ट्रांसमिशन क्वालिटी काफ़ी बेहतरीन है। बोथ NFC और ब्लूटूथ मोड में सभी सॉन्ग्स में किसी भी तरह का वॉइस लॉस, ट्रांसमिशन लॉस या फ्रीक्वेंसी लॉस नहीं हुआ है। मैंने और भी बहुत सारे ब्लूटूथ डिवाइसेस को ट्राई किया है और ऑनेस्टली लगभग सभी डिवाइसेस में मैंने ट्रांसमिशन लॉस और वॉइस क्वालिटी इश्यूज देखे हैं, जबकि इस टीपी लिंक रिसीवर में मैंने ये प्रॉब्लम नहीं देखी है। आइए दोस्तों, अब हम इस टीपी लिंक ब्लूटूथ रिसीवर को हमारे 5 पैरामीटर्स डिज़ाइन, फीचर्स, स्पेसिफिकेशंस, बिल्ड क्वालिटी और वैल्यू फॉर मनी पे स्कोर करते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं इसका MTB स्कोर। डिज़ाइन। यह डिवाइस एक स्मॉल फॉर्म फैक्टर में आती है और इसका डिज़ाइन मुझे काफ़ी क्यूट लगा, इसलिए मैं इसे 10 में से 8 नंबर देता हूँ। फीचर्स। फीचर्स में मैं इस ब्लूटूथ रिसीवर को 10 में से 8 नंबर देता हूँ। इस डिवाइस में ब्लूटूथ के साथ साथ NFC भी है, जो इसका एक प्लस पॉइंट है। साथ ही LED नोटिफिकेशन लाइट्स भी हैं, लेकिन इसमें ब्लूटूथ वर्जन 4.1 है, जबकि आजकल लेटेस्ट ब्लूटूथ वर्जन 5.0 चल रहा है। दूसरा, हालांकि इसकी क्लेम रेंज 66 फीट है, लेकिन मेरी टेस्टिंग में 30-35 फीट से ऊपर नहीं चला। स्पेसिफिकेशंस। इस डिवाइस में आपको काफ़ी सारी कनेक्टिविटी केबल्स और ऑप्शंस मिलते हैं, जिससे आप मल्टीपल टाइप्स के होम थिएटर्स और हाईफाई सिस्टम्स को कनेक्ट कर सकते हैं। साथ ही यह आपको सेपरेट माइक्रो USB केबल और USB पावर अडैप्टर देता है, जिससे आप इसे पावर बैंक या अपने कार चार्जर के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। जी हाँ, आप इस टीपी लिंक ब्लूटूथ रिसीवर को से अपनी कार के पुराने म्यूजिक सिस्टम में अपने मोबाइल से वायरलेसली कनेक्ट करके वायरलेस म्यूजिक प्ले कर सकते हैं। इतने सब के बाद भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा था यहाँ पर एक पावर बटन, जिससे मैं इस डिवाइस को स्विच ऑन या स्विच ऑफ कर सकूँ। वो इसमें मिसिंग है और चार्जिंग केबल लगाने के साथ ही ये ऑन हो जाता है और निकालते ही ये ऑफ हो जाता है। इसीलिए मैं इसे 10 में से सिर्फ 9 नंबर दे रहा हूँ स्पेसिफिकेशंस में।
अगर इसमें पावर बटन होता तो ये डेफिनेटली 10 में से 10 होता। बिल्ड क्वालिटी, बिल्ड क्वालिटी में मैं इसे 10 में से 9 नंबर देता हूँ। इस रिसीवर की बिल्ड क्वालिटी मुझे काफ़ी इंप्रेसिव लगी और इसकी एक्सेसरीज की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। जैसा कि मैंने पहले कहा था, ये एक अमेजन रिन्यूड डिवाइस है, इसलिए इसमें यहाँ पे कुछ स्क्रैचेस हैं और इसका फ्रंट एंड उतना स्मूथ नहीं है। आई एम श्योर एक ब्रांड न्यू डिवाइस और भी बेटर होगी, लेकिन इसकी फंक्शनैलिटी में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है और क्वालिटी काफ़ी इंप्रेसिव है। वैल्यू फॉर मनी, मैंने इस अमेजन रिन्यूड टीपी लिंक ब्लूटूथ रिसीवर को 1250 रुपीज़ में अमेजन से लिया था। ब्रांड न्यू डिवाइस 1500 रुपीज़ में है। आपको बहुत सारे लोकल और चीप चाइनीज मेड ब्लूटूथ रिसीवर्स 500 टू 1000 रुपीज़ की रेंज में मिल जाएंगे, लेकिन उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है और आपको उसमें ट्रांसमिशन लॉसेस भी काफ़ी मिलेंगे। स्टिल यह भी एक मेड इन चाइना डिवाइस है, लेकिन ये एक ब्रांडेड प्रोडक्ट है और इसलिए इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। बट स्टिल आई बिलीव 1000 रुपीज़ से 1250 रुपीज़ इसका एक अच्छा प्राइस है और 1500 रुपीज़ यानी 1500 रुपीज़ इसके लिए थोड़ा सा ज़्यादा प्राइस है। इसीलिए वैल्यू फॉर मनी में मैं इसे 10 में से 7 नंबर देता हूँ। तो आइए अब आपसे शेयर करते हैं इसका MTB स्कोर। पांचों पैरामीटर्स का सम टोटल करने पे हमें मिलता है इस टीपी लिंक ब्लूटूथ रिसीवर का MTB स्कोर, जो कि है 41 out of 50। फन फैक्ट नंबर 1, आप इस डिवाइस को अपने अमेजन इको या गूगल होम मिनी के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं और एक कंप्लीट होम थिएटर एक्सपीरियंस बना सकते हैं एलेक्सा या गूगल असिस्टेंट के साथ। फन फैक्ट नंबर 2, ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी का इन्वेंशन सन 1994 में हुआ था। सन 2008 में सिर्फ 5% मोबाइल डिवाइसेस में ही ब्लूटूथ था, लेकिन आज सन 2020 में रफली 98% मोबाइल डिवाइसेस में ब्लूटूथ है। ब्लूटूथ एक्चुअली एक वायरलेस ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी ही है जो शॉर्ट वेव फ्रीक्वेंसीज पर काम करती है। तो दोस्तों, इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसके साथ ही इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा बेल नोटिफिकेशन आइकन पर ज़रूर क्लिक करें, जिससे नया वीडियो आते ही आप तक सबसे पहले पहुँचे। इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार, जय हिंद और जय भारत।